नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरुजी में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ RRB ALP साइको टेस्ट के बारे में, जो कि दोस्तों आपका बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके साइको के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, कौन से टेस्ट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, जिसमें आपको फ्रेंड्स केवल और केवल एस और नो का टेस्ट है। दोस्तों, पूरा खेल जो अंकों का है, ये एक साइड में दोस्तों आपका अंक दिया होगा, कोई 4, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 10 अंक का, या किसी भी कुछ भी दोस्तों आपका नंबर लिखा होगा, और सेम दोस्तों आपको उस साइड में भी देखना है इक्वल का साइन के उस साइड में। अगर आपका सेम अंक लिखा हुआ है तो वो एस हो जाएगा, और अगर दोस्तों मैच नहीं करता है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आपका आंसर नो हो जाएगा। बस दो चीज़ का आप ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद कैसे आपको वो देखना है नंबर्स को, उन नंबर्स को कैसे देखना, सब अंकों का ही खेल दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। आप किस तरह से उससे बिहेव करते हैं, किस तरह से आप खेलते हैं, यही आपका पूरा दोस्तों आपका होने वाला है, जिसमें आपको 4 मिनट में करने होंगे 96 प्रश्न। अब आप समझ सकते हैं, तो 96 प्रश्नों की संख्या 4 मिनट में सॉल्व करना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे धुरंधर आपके यहाँ पे आ चुके हैं जो 4 मिनट में 96 क्वेश्चन एटलीस्ट इजिली बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अंतिम समय में आपका साइको का एग्जाम 10 मई को होने वाला है, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। कैसे आपको यहाँ पे चेक करना है, कैसे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही स्मार्ट ट्रिक से, जिससे आप सभी के सभी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, मैं सब कुछ तो बताऊंगा यहाँ पे, सब कुछ डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपका कंसंट्रेशन टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो तुरंत पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि दोस्तों मेरी जो आपकी नई जो मैं नए वीडियो अपलोड करूँ, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल ना कीजिएगा, तभी आप दोस्तों यस और नो का जो कॉन्सेप्ट है वो आप टोटली पूरा पकड़ पाएंगे। अगर दोस्तों आप बीच में स्किप कर देंगे, तो हो सकता है आप दोस्तों इस ट्रिक को ना समझ पाएं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, उसको नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेट ना करते हुए, और चलिए वीडियो को हम पूरा देखते हैं यहाँ पर, कैसे आपका ये पूरा ट्रिक काम करता है, कैसे आपको ये पूरा देखना होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टेस्ट है ये है आपका यस आर नो टेस्ट, और यहाँ पर दोस्तों आपको 4 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, जिसमें आपको करने होंगे 96 क्वेश्चंस। अब दोस्तों, ये क्वेश्चंस किस तरह से होंगे आपके, केवल दोस्तों आप यहाँ पे सिंपली आपका जैसे मान लीजिए लिख दिया ये 2 4 5 2 4 5 8 2 8, ये आपका दोस्तों लिख दिया, इक्वल का साइन लगा के लिखेगा 2 4 5 8 2 8। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए इसने एक नंबर को चेंज कर दिया, यहाँ पर 8 की जगह 9 कर दिया। अब आपको झटके में दोस्तों देखना है, जल्दी से देखना है कि ये आखिर नंबर सेम है कि नहीं। तो आप दोस्तों इस फिगर को याद ना करके, बल्कि इसका इमेज अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, और सेम वही इमेज दोस्तों यहाँ पर पेस्ट कीजिए। अगर नंबर चेंज होगा तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, और आप नो का ट्रिक, आपको ये नहीं पकड़ना है कौन सा नंबर चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, आप नो पे ट्रिक तुरंत लगा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दोस्तों ये ट्रिक हो गई आपकी सबसे स्मार्ट ट्रिक, कि आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, ना कि नंबर को देखना है। मान लीजिए अभी तो आपका ये 6 नंबर में है, अगर ये 10 अंक का नंबर लिखा होता, कभी मोबाइल नंबर लिखता 10 अंक 12 अंक का लिखता, तो क्या आप पूरा नंबर याद कर पाते 2 4 5 8 8 2 8? कभी नहीं कर पाते। तो इसलिए दोस्तों आपको ये ट्रिक अपनाना है, कि यहाँ पर आप पूरे जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, उसका अपने दिमाग में एक इमेज सेट करना है, और इमेज को यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर इमेज आपकी डिफरेंट बन रही है, तुरंत आप नो पे टिक कर लीजिएगा, अगर इमेज दोस्तों सेम बन रही है, तो आप यस पे टिक कर लीजिएगा। चलिए, मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग में इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, चलिए उनके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ, कैसे उनको चेक करना है, कैसे वो इजिली ये कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करना इतना इजी लेवल तो नहीं है। अगर आप फास्ट स्पीड आपकी नहीं है, आप कम से कम 5-6 प्रैक्टिस अगर नहीं देते हैं इस टेस्ट का, तो मुझे नहीं लगता कि 4 मिनट में आप 96 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, 80 के आसपास पहुंच रहे हैं, तब भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, 70+ दोस्तों हो जाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कि बहुत ही ईजी और बहुत ही आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, और आपका जो टी स्कोर आपका 42% लाना है, वो आपका कैंसिल दोस्तों हो सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से 80+ या 70+ स्कोर कर लीजिएगा, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ कैसे आपको चेक करना है, एग्जांपल दिखाऊंगा दोस्तों, और पूरा चार्ट यहाँ पे आपका रहता है, आपको पता होगा 96 क्वेश्चन का चार्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, और सब एक लाइन से दोस्तों आपका लिखा होगा, जिसके सामने एस और नो का ऑप्शन लिखे होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ एक, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक एग्जांपल है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम नंबर्स आर गिवन एट द लेफ्ट साइड एंड सम एट द राइट साइड।
यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ नंबर आपके राइट साइड में दिए हुए हैं, कुछ लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं, मतलब ये दोस्तों आपका ए है, ये बी है। अब फिर लिखा दोस्तों, इफ नंबर ऑफ बोथ साइड्स आर सेम द आंसर वुड बी एस, यानी वाई। अगर दोस्तों नंबर आपके सेम दोनों हैं, ये दोनों आपके मैच कर रहे हैं, इक्वल हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो वाई हो जाएगा, मतलब यस हो जाएगा। और अगर मैच नहीं कर रहे हैं, इफ नंबर्स आर डिफरेंट देन आंसर विल बी एन, अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो आंसर आपका एन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पे तुरंत देखना है ए वाले में नंबर क्या है। अब आप अगर नंबर दोस्तों देखेंगे 4 2 4 4 2 2 4 5, फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 4 2 4 4 2 4 2 5, तो आपके समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे 4 डिफरेंट है, चलो यस इसका नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। तो दोस्तों इस ये करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको तुरंत अपने दिमाग में बस ये फीड करना है कि ये नंबर इस टाइप से है, इसमें देखा तो तुरंत आपको ये डिफरेंट यहाँ पे अपने आप नज़र आ जाएगा। और नज़र आते ही आपको फिर से इसको दोबारा मैनेज नहीं करना है, दोबारा नहीं देना, तुरंत आपको नो पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन में पहुंचना है। इसमें कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना कि मैं देखूं कि मैंने सही मैच करवाया है कि नहीं, दो बार वेरीफाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक बार इस डायग्राम को अपने माइंड में फीड कीजिए, दोबारा इस पे पेस्ट कीजिए, अगर वो नंबर दोस्तों सेम नहीं होगा तो तुरंत आपके दिमाग में ये एरर शो कर देगा, ये एरर आ जाएगा कि हाँ ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए मैं अगला आपके पास एग्जाम्पल ले आता हूँ, उसको दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको, तुरंत ये डायग्राम अपने दिमाग में बनानी है और फिर इस पे पेस्ट करनी है, तुरंत आप पकड़ लेंगे कि हाँ आपका यहाँ पे डिफरेंट है, 5 की जगह पे 6 यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर नो हो जाएगा। जैसे ही आपके दिमाग में ये फिगर सिस्टमेटिक ढंग से बनेगा, आप इस पे लाके पेस्ट करेंगे, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि नहीं, वो फिगर उस पर मैच नहीं कर रहा है, उस पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये दोस्तों आपका बिल्कुल डिफरेंट फिगर है, आप तुरंत नो पे आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। और फिर दोस्तों एक बात और ध्यान देना, अपने माउस को कभी भी, माउस का जो कर्सर आपका दोस्तों यहाँ तीर के निशान का होता है, उसको कभी भी नंबर्स पे लेके ऐसे ऐसे मैच मत करवाइएगा, वरना आप इस पे मैच करवाएंगे फिर वहाँ एस नो का जो ऑप्शन होगा वहाँ ले जाएंगे, उस पे जब आप यस नो के ऑप्शन में दोस्तों ले जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इस पर लेके आएंगे पढ़ने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करना। अपनी आंखें दोस्तों यहाँ पर रखना, माउस के कर्सर को वहीं पे रखना जहाँ पे आपका यस नो का टिक लगाना है। और दोस्तों जैसे ही आपके दिमाग में नो का पॉइंट है, तुरंत नो पे करिए, फिर अगले पे आ जाइए। अगर वाई आता है तो वाई पे कीजिए, अगले पे आ जाइए। कभी भी उसको अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे ला के नंबर को ना पढ़िएगा, वरना वो आपका टाइम वेस्ट करवा देगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए अगला एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये आपका अगला एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपके दिमाग दोस्तों ये क्वेश्चन सेटअप होगा, आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, तो आप तुरंत यहाँ पे देखेंगे, इसको अपने दिमाग में लेंगे कि हाँ ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस पे लेके जाएंगे तो आपका सेम पैटर्न फॉलो कर जाएगा, कोई भी नंबर यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा, सब दोस्तों मैच कर जाएंगे। आप मैच करवा लीजिए 5305 5305 89345 89345। और एक चीज़ दोस्तों बताना चाहता हूँ, मान लीजिए अभी यहाँ पर आपका 3 3 6 3 9 9 अंक का नंबर है, ये 9 डिजिट का नंबर है, लेकिन अगर ये दोस्तों कम डिजिट में होता है, 6 में होता है, 7 में होता है, 5 में होता है, तो टोटल नंबर को आप इजीली मैच करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात दोस्तों ध्यान देना है, आपको स्टार्टिंग में 12 अंक या 10 अंक का नंबर देगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम या टेस्ट आपका स्टार्ट होता है, तो शुरू में जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आपका 12 अंक का, 10 अंक का या 9 अंक का आपको नंबर मिलेगा, तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आपको 4-5 क्वेश्चन स्किप कर देना पहले ही, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ बहुत लेंदी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो उसको स्किप करके आप 10 क्वेश्चन शुरू कर दीजिएगा 10वें क्वेश्चन से। आपका गारंटी है दोस्तों कि 10वें क्वेश्चन के बाद आपको 5 अंक 6 अंक 7 अंक से ज़्यादा का नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो क्या करते हैं, आगे आपके पास 9 या 10 या 12 अंक का नंबर दे के आपका टाइम वेस्ट करवा देते हैं, वहाँ पे आप वही करने में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, मैच करवाने में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, और वहीं पे आपका टाइम सब वेस्ट हो जाता है, बाद में आप 50 ही कर पाते हैं या 40 ही कर पाते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है आपको, अपना टाइम वेस्ट ना करते हो, बहुत ही स्मार्टली आपको आगे क्वेश्चंस जो है वो उसको स्किप कर देना है, और 10 या 11 नंबर क्वेश्चन से आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से 80 प्लस या 70 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों एक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 5-6 अंक का है, तो आप नंबर को भी पेयरिंग कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए 5-4-9 अंक का है, तो आप इसको नंबर का पेयरिंग कर सकते हैं, 5305 8 5305 8 9345 9345, आपने मैच करवा लिया, तुरंत आपने टिक कर लिया एस पे, अगर नहीं मैच कर रहा है नो कर दिया, ये भी दोस्तों आप कर सकते हैं। इससे भी आप कम से कम 60 प्लस तो स्कोर कर सकते हैं, ये गारंटी है। अगर इस तरह से आप मैच करते हैं तो भी आप 60 प्लस स्कोर करेंगे, और इसमें तो आप ये समझ लीजिए 100% आप एक्यूरेट, जो भी आपका आंसर निकलेगा वो 100% एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले एग्जांपल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने अगला एग्जांपल है। देखिए आप जैसे ही दोस्तों इसका फिगर अपने माइंड में सेटअप करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आपको लगेगा कि दोनों मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, और आप इजीली इसका आंसर वाई कर सकते हैं, नो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टोटल फिगर आपका मैच कर रहा है, पूरा कॉपी हो रहा है।
तो जैसे ही आपके दिमाग में फिगर सेटअप होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अगर एक भी दोस्तों नंबर यहाँ पे चेंज होता तो आपके दिमाग में, जैसे ही आप इस फिगर को अपने दिमाग में बनाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आपके दिमाग में तुरंत आता कि ये मैच नहीं कर रहा है, आप तुरंत नो पे टिक लगा सकते थे। तो इस बात का ध्यान देना, बहुत ही सफाई से बहुत ही स्पीडली आपको ये करना होगा। और फ्रेंड्स, ये आपका पैटर्न था, ये आपका ट्रिक था चेक करने का कि इसको नंबर में ना लेके इसको फिगर एनालाइज कीजिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और 96 क्वेश्चन का टारगेट आपका है वो आप 100% दोस्तों इस एक्यूरेसी के साथ सिक्योर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस टारगेट को आप लेके चलते हैं, इस ट्रिक को अपनाते हैं, तो मेरी उम्मीद से आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए दोस्तों जो नहीं अपना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जो मैंने दूसरा ट्रिक बताया है नंबर्स को पेयरिंग करके मैच करवाना, उससे भी आप 60+ स्कोर कर लेंगे और 42% आपका जो टी स्कोर है वो बनने में कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमेशा नए नए अपडेट्स और नए नए लेक्चर्स के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।